खरगोन जिले में कोरोना संक्रमण के चलते शासन के मंशा अनुरूप पुलिस विभाग लगातार बिना मास्क के और बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। बावजूद इसके शहर में लोग बाहर घूम रहे हैं। इसी कड़ी में 42 डिग्री टेम्परेचर में भी चिलचिलाती धूप को देखते हुए भी पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाला। गायत्री मंदिर पोस्टा भी चौराहा मोहनटा के मोटी माता तिराहे संजय नगर बिस्टान रोड बस स्टैंड सहित अनेक स्थानों पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और कार्यवाही को अंजाम दिया। बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही की और उन्हें अस्थायी जेल भेजा। इस दौरान स्वयं पुलिस अधीक्षक ने अपने क्षेत्रों में घूमकर कार्य को अंजाम दिया। रोड पर घूम रहे ठेले वालों पर कार्यवाही की और उन्हें जब्त किया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया, थाना प्रभारी प्रकाश और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों पर भी चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिले भर में बिना मास्क के 26,000 लोगों से चालान बनाए गए हैं, जिसकी कुल राशि 20 लाख वसूली गई है। साथ ही अस्थायी जेल में भी 4,000 लोगों पर कार्यवाही की गई है और 188 में 1500 प्रकरण बनाए गए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सभी लोगों को मालूम है कि अभी कोरोना के जो संख्या है वो थोड़ी सी पहले से स्थिति जो है वो बेहतर हुई है, संख्या कम हुई है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश है, अब जो लॉकडाउन है यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग में भी निर्णय लिया गया है उसके तहत जो है वो एक्सटेंड किया गया है अगले 10 दिन के लिए। तो अब ये 10 दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अनावश्यक मूवमेंट जो है उसको पूरी तरह से रोकने के लिए, लेकिन जिन लोगों को कोई आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं या कोई इमरजेंसी है, उनके आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई भी अगर फालतू घूमता हुआ है, अनावश्यक घूमता हुआ मिल रहा है, तो उसको पुलिस प्रशासन के साथ जो है मिलकर कार्रवाई कर रही है। सर आज पहली बार देखा, आप खुद ही मैदान में उतरे हैं संजय नगर। पहले मैं बीच में उतरा था, थोड़ी सी स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है तो थोड़ा सा लॉकडाउन में लोगों के माध्यम से लोगों को भी समय लग रहा है, तो वो हल्का सा ढील का वो हुआ था। लेकिन अब और सख्ती की ज़रूरत है। अगले 10 दिन हम लोगों को, आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अभी इसमें सहयोग करें और जब बहुत ही आवश्यक हो सभी घर से बाहर निकलें। अभी बड़ी मुश्किल से स्थितियाँ नियंत्रण में आई हैं, हमारी गलती हो सकता है कि स्थिति फिर से ना बिगड़ जाए, तो सभी से यही अनुरोध है कि सभी लोग सहयोग करें और घरों में बने रहें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।